नमस्कार, आदाब एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुष चंद्रा, मैं हूँ एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ यूट्यूबर ऑफ कोर्स। और ये बात बतानी ज़रूरी है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा मिसलीड हो रहे हैं ओवर टू द यूट्यूबर, सो कॉल्ड हैप्पीनेस गुरु, लाइफ कोचेज एंड एवरीवन। सी, आई हैव नथिंग टू डू अगेंस्ट देम, बट अगर आप एक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, अगर आप एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दैट राइट रिसोर्सेज आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू। There are people who are making n number of videos and they are misleading you. Rather than actually helping you, your anxiety will keep on increasing. That's number one. Number two, sometimes when you listen to other people's video, hota kya hai? Jab aap kisi aur ki video dekhte hain, jo ki ek non-expert insaan hai, psychologist nahi hai, तो इससे दिक्कत क्या होती है कि आपको थोड़ी देर के लिए ना काफी रिलेटेबल लगता है, आपका शायद मनोबल भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये करते करते आपको लगता है अब ये वीडियो मुझे ठीक करेगी। यू कीप वॉचिंग, कोई दिक्कत नहीं वहां तक भी मुझे। प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मनोहर कहानियां तो आप कितनी भी सुन सकते हैं, राइट, मैं भी सुना सकता हूं आपको, लेकिन ये कहानी सुनने का वक्त नहीं है कि कोई कैसे ठीक हुआ। ये ठीक होने का वक्त है कि आप कैसे ठीक होंगे, और उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मैसेज के साथ आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है हार्म ओसीडी, हार्म रिलेटेड ओसीडी। इसमें आपको किसी के बुरे हो जाने का, किसी के साथ बुरा हो जाने का डर लगता है, फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग टू मी, माई फैमिली मेम्बर, माई लव्ड वन। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा मोरालिटी रिलेटेड ओसीडी को भी, क्लब करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोरालिटी का मतलब है कि मुझे बुरा थॉट क्यों आया किसी के बारे में, चाहे वो सेक्सुअल हो, डेथ हो, एक्सीडेंट हो, बैड वर्ड्स हो, मुझे क्यों आ रहा है ये थॉट, ऑलराइट, मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बचपन से बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना होगा, पहला स्टेप है कि थॉट्स डू नॉट डिफाइन यू। आपके मन में आने वाले, अंतर मन में आने वाले थॉट्स जो हैं, ये इंट्रूसिव थॉट्स हैं। दे आर नॉट मेड बाय यू, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय यू, दे आर कमिंग ऑटोमेटिकली। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इट इज़ नॉट डिफाइनिंग यू। तो अपने आप का वहाँ से लिंक हटाओ, यू आर नॉट योर थॉट्स। नंबर टू, आपको समझना होगा कि जब ये थॉट्स आपके अंदर आते हैं तो आपको बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है, डिस्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, अनइजीनेस लगती है आपको। एंड दैट्स द सेकंड प्रूफ एंड द बिगेस्ट प्रूफ आई कैन टेल यू दैट यू आर अ गुड पर्सन। अगर आपको गंदे थॉट आने पर गंदा ही लगेगा ना, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। इफ़ यू आर अ बैड पर्सन, यू विल नेवर फील बैड अबाउट इट, यू विल फील ओके, फाइन। किसी गुंडे को या किसी विलन को अगर नेगेटिव थॉट आता है तो क्या उनको बुरा लगेगा कि मुझे नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है? नो। सो यू आर अ गुड पर्सन, एंड दैट्स वाई यू आर हैविंग दिस फियर दैट यू शुड नॉट हैव दिस थॉट। But the problem with you is that you are trying to fight this thought, and that is where you are failing. Fight mat karo yaar, don't fight this thought. Because if you keep trying to fight this thought, you will actually engage more and more into that. Aap spiral in ho jaoge uske andar. Spiral in ka matlab hai, kisi uljhi hui cheez ko agar aap suljhane lagte ho, to usme aur ulaj jate ho. Yehi hota hai thoughts ke saath. Don't go that way. Mat karo ye cheez, mat usko suljhane ki koshish karo. Don't try to solve it. Leave it then and there. Label it, identify, pause and move on, shift yourself to the next task at hand. Don't wait there, alright? जितना wait करोगे, जितना उसको mental space दोगे, उतना ही grow करने लगेगा। कुछ बुरा ना हो जाए किसी के साथ मेरी सोच से, ये problem एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है लोगों के लिए। मेरे सोचने से death ना हो जाए, मेरे सोचने से accident ना हो जाए, मेरे सोचने से कुछ ना हो जाए। इसी के साथ लोग कॉन्सेप्ट ले आते हैं मैनिफेस्टेशन का, एफर्मेशन का, द सीक्रेट और ये सब बुक और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ब्ला ब्ला ब्ला, नो मैटर व्हाट दे टेल मी। देखो, ये सारी बुक्स, एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, मेरे लिए ये सारी बुक बहुत ही ज़्यादा कॉमिक बुक की तरह है। हम यही पढ़कर बड़े हुए हैं साइकोलॉजी में, यही सब हम एनालाइज करते हैं, यही सब रिव्यू करते हैं। ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टफ, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, उसको आप प्लीज साइड रख दो। वो आपसे रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके थॉट्स खुद ही आपके अपने नहीं है। तो वो क्या मैनिफेस्टेशन और क्या एफर्मेशन और क्या प्रेयर, क्या मन्नत, ये थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली मेड बाय यू। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रांटेड एनी वेयर एनी टाइम। और ऐसे मैनिफेस्टेशन होने लग गए तो दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग जॉब, करियर, एजुकेशन छोड़ के सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करते रहेंगे और सोचेंगे सब कुछ हो जाए। बिना एक्शन लिए, बिना कर्म करे इंसान को कुछ नसीब नहीं होने वाला। श्री कृष्ण भी गीता में यही कह के गए हैं, कर्म करो, कर्म के ऊपर फोकस करो, मन के ऊपर नहीं। ये आपको जो है, मन जो है बहकाता है आपको, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। डोंट फोकस देयर, वट एवर कम्स हियर, गॉड ऑल्सो नोज दैट इट इज़ नॉट योर्स, सो वाई आर यू बॉदर्ड अबाउट, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। अच्छा, कुछ छह चीज़ें हैं जो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने मन से, अगर आप रिकवर करना चाहते हो।
हेयर आई गो एंड फोकस ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो और साथ साथ में जब भी ये वीडियो एंड करोगे उसके बाद आप इनको आंसर करना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। पहला क्वेश्चन है, एम आई जंपिंग टू नेगेटिव कंक्लूजंस? क्या मैं डायरेक्टली थॉट का मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो निकाल रहा हूँ, बिल्कुल एंड पे पहुंच रहा हूँ, थॉट आया और थॉट को ही मैं एक्शन मान रहा हूँ जैसे हो ही गया, क्या मेरा रिएक्शन बिल्कुल कंक्लूजन निकालने जैसा है? इसको अपने आप से पूछिए, एम आई जंपिंग टू कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, एम आई 100% श्योर दैट दिस थॉट इज ट्रू? क्या मेरे पास 100% गारंटी है कि ये जो थॉट मुझे आया है ये सत्य है, ये सच है, बिल्कुल ऐसा ही होगा? क्या यही इकलौती स्टोरी है, क्या सब यही मानते हैं, क्या ये थॉट 100% ट्रू है? दैट्स योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, इज देयर एविडेंस टू प्रूव इट? क्या कोई तथ्य है, क्या कोई एविडेंस है कि मैं कह सकूं कि ये थॉट और जो कंक्लूजन मेरा दिमाग निकाल रहा है ये एक्चुअली में ट्रू है, ये हो ही जाएगा? क्या कोई एविडेंस है? एविडेंस मतलब आपका अपना परखा हुआ पर्सनल एविडेंस, ये नहीं कि मैंने सुना था, मैंने कहा था, किसी ने बोला था, नहीं, यू डू यू हैव एनी एविडेंस अबाउट? अगर मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये सवाल बताया होता, ये थॉट बताया होता, तो मैं उसको क्या सलाह देता? That's the next question you have to ask yourself. What would I suggest to a friend if the friend would have come with this kind of thought or problem with me, to me? So, आपको ये पूछना है. Fifth question is there any other way to look at this whole thought, this whole story which my mind is cooking up? क्या कोई और नजरिया है? क्या दुनिया में और दृष्टिकोण है? Is there any other perspective in which people look at this thought? So, that is one of the question I would suggest you should ask yourself. And last is, how can I change this thought to a more better, I'm not saying positive, to a more better helpful thought? How can I see it to feel comfortable? कैसे देखूं इस thought को, कैसे modify करूं कि मैं चैन की सांस ले सकूं? यहां हम compulsions की बात नहीं कर रहे, बस एक illogical thought को logical बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ questions हैं rationality के साथ, जो अगर आप करेंगे इत्मीनान से बैठकर तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ महसूस होगा। इनको बार बार करिए, different thoughts के साथ practice करिए, and you will understand that how it can shift your perspective from feeling so dreaded, इतना खराब लग रहा है आपको, काफ़ी better आप महसूस करने लगेंगे with period of time। And with this, I am reaching to the end of this video। अगली video में मिलूंगा आपको, I hope this video will help you। एंड अगर पसंद आ रहा है कंटेंट, अगर आपको लगता है दैट आई एम ऑफ यूज, आई एम हेल्पिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट हियर राइट नाउ, बिकॉज मैं देखता हूं इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं कंटेंट को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दैट एक्चुअली डीमोटिवेट्स मी कि क्या मैं ये हेल्पफुल कंटेंट बनाऊं भी, और क्या मैं इस चीज को फ्री में आप लोगों तक पहुंचाऊं भी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉर मी एज अ प्रोफेशनल, मेरा पहला काम यूट्यूब नहीं है, राइट? मेरा पहला काम है थेरेपी, थेरेपिस्ट हूँ मैं, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चेस करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, ओटीडी से बाहर निकालने के लिए थेरेपीज करता हूँ, एंग्जाइटी खत्म करता हूँ, डिप्रेशन के साथ वर्क करता हूँ। फॉर मी दिस इज लाइक अ साइड हसल, फॉर मी दिस इज लाइक अ पैशन फॉर मी कि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो यू हैव दिस फॉर मी, यू हैव टू मोटिवेट मी बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय सब्सक्राइबिंग चैनल, बाय लीविंग अ कॉमेंट टू मोटिवेट मी। इट्स योर जॉब नाउ। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।